देखो कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता है, शुरू में उनके पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन आने वाले समय में वो पैसे वाले बन जाते हैं। उनका पैसे वाले बनने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? एक तो उनके पास शुरू में पैसा कम था, यानी कि वो 10 से 15 हज़ार रुपये में किसी के पास काम करते थे, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर आप किसी दूसरे के पास 10 से 15 हज़ार रुपये में काम कर रहे हो, आपके पास कम से कम 50 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये आपके पास पड़े, फिर भी तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज की दुनिया है महंगाई वाली दुनिया, और इस दुनिया के अंदर अब 10 से 15 हज़ार रुपये में पोसाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, नहीं है तो 2-4 महीने और दूसरे के पास काम कर लो, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आप किसी दूसरे के पास काम कर रहे हो और आपको वो 15 हज़ार रुपये दे रहा है, तो वो पता है आपको 15 हज़ार क्यों दे रहा है? क्योंकि उसकी इनकम आपके 15 हज़ार रुपये से कई गुना ज़्यादा है जो कि आप कमा कर दे रहे हो उसको। यानी आप जो पैसे उसको कमा कर दे रहे हो, यानी कि आप अगर 20 हज़ार किसी आदमी को कमा कर देते हो ना, तब ही वो आदमी आपको कितने 10 से 15 हज़ार रुपये देगा, नहीं तो वो आपको नौकरी से निकाल देगा। यानी कि अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ही वो आदमी आपको पैसे दे रहा है, और आप उसके नौकर के रूप में काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास उसकी जैसी बुद्धि नहीं है, उसकी तरह आप काम नहीं कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नकल करना गलत है, नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आपके पास अक्ल नहीं है तो आप नकल भी मत कीजिएगा, और अगर आप नकल कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से कीजिए कि उसको भी आप नीचे छोड़ दो, इतना ऊपर चले जाओ उसके काम। तो कभी भी आप 10 से 15 हज़ार रुपये में किसी के पास काम मत करना। आपके पास अगर पैसे हैं तो आपका पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा फायदा है, दूसरे के पास काम करने में कोई फायदा नहीं है। अपना प्रॉफिट देखने के बाद ही दूसरा आपको नौकरी पर रखता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना।